तो नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल ड्रैगन फ्रूट्स मेरठ में, जिसमें हम सारी बातें करते हैं ड्रैगन फ्रूट से संबंधित। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ड्रिप इरिगेशन या सिंचाई की पद्धति, कि हमको ड्रैगन फ्रूट में पानी ड्रिप वाला देना चाहिए या आपको फ्लड वाटर देना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, देखिए अगर आप ड्रिप वाटर की बात करें तो ड्रिप से आपको इस तरह से पानी दिया जाता है। इसमें चार आपके ड्रिपर होते हैं, एक ड्रिपर ये इधर है, एक ड्रिपर ये इधर है, एक ड्रिपर आपका इधर होगा और एक ड्रिपर आपका इधर होगा। तो चार ड्रिपर हैं, ये LPS के हिसाब से आते हैं कि 4 LPS, 3 LPS, 2 LPS। LPS का मतलब होता है कि जो अगर आपका ड्रिपर चलेगा तो एक घंटे में कितना पानी आपको ये देगा। 2 LPS का मतलब है 2 लीटर पर आवर, 4 LPS का मतलब है 4 लीटर पर आवर। तो ये उसके हिसाब से आपको प्लांट को पानी देगा। फिर दूसरा, इसमें आपका जो आपको कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट या कोई भी आपको खाद पानी कुछ भी देना है तो सीधा आपको प्लांट तक आएगा, इधर उधर उसकी वेस्टेज कहीं नहीं जाएगी, सीधा आपको प्लांट पर ही मिलेगा। तीसरी बात, आपको जो लेबर लगेगी, जो अगर आप फ्लड वाटर यूज़ करते हैं तो फ्लड वाटर में आपकी लेबर ज़्यादा लगेगी, क्योंकि उसको पानी देखना भी पड़ेगा, इधर उधर बर्बाद ना हो, तो उसके लिए भी आपको लेबर लगेगी। फिर दूसरा, अगर आपको कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट या कुछ भी चीज़ देनी है आपको, तो उसके लिए भी आपको लेबर लगानी पड़ेगी, वो आपका प्लांट में देगा। तो इससे ये बेनिफिट होता है आपका, सीधा आपका प्लांट तक माइक्रो न्यूट्रिएंट भी पहुंच जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट कैसे देते हैं उसको भी मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। तो इसमें क्या होता है, एक आपका जैसे हमारी ट्यूबवेल उधर बनी हुई है, वहाँ से आपका मेन पाइप ऐसे दबा हुआ है, ऐसे मेन पाइप दबा है, ऐसे उस मेन पाइप में से सीधे आपके ऐसे ये ड्रिपर आ रहे हैं, सीधे ऐसे लाइन टू लाइन, सभी लाइनों में 13 लाइन है, 13 लाइनों में इसी तरह से ड्रिपर आ रहे हैं, और उसमें चार चार ड्रिपर प्लांट के चारों तरफ लगे हुए हैं। तो जैसे हमारी वो 12 लगी हुई है उधर, उसमें से आपका सीधा एक पाइप ऐसे आ रहा है, ये दबा हुआ सीधा पाइप आपका, तो ये देखिए जिसमें इस नाली में आपका सीधा एक पाइप दबा हुआ है, फिर इससे आपको ड्रिपर पाइप इस तरह से निकले हुए हैं, इस तरह से पाइप आपके निकले, जैसे ये पाइप आपका जा रहा है यहाँ से, ये पाइप सीधा यहाँ से आपका ऐसा जा रहा है उस साइड, फिर ऐसे ही इस लाइन में आपका ये पाइप यहाँ से देखें तो सीधा आपका इस साइड जा रहा है, फिर इसमें वही आगे आकर के यहाँ इसमें चेक वाल लग जाता है, इसको आप खोल सकते हैं, बंद करते हैं, इसको बंद करेंगे तो पानी बंद हो जाएगा, खुला रहेगा तो पूरी लाइन में पानी आपका चलेगा। तो ऐसे ही आपके पूरे फार्म में लग जाता है। अगर आपको फ्लड वाटर देना है या आप चाहते हैं कि फ्लड वाटर यूज़ करें, तो उसमें बीच बीच में आपका ये एल्बो लगा करके इस तरह से आपका ये खुला छोड़ देते हैं। तो इससे क्या, आप अगर फ्लड वाटर देना चाहें तो इससे आपको फ्लड वाटर भी आप दे सकते हैं। अब आती है बात माइक्रो न्यूट्रिएंट की, कि माइक्रो न्यूट्रिएंट कैसे देते हैं। तो चलिए आइए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे हमारी मेन ट्यूबवेल है, यह हमारा सबमर्सिबल है, इसमें सबमर्सिबल में से दो पाइप निकल कर आपका दिखा देता हूँ मैं, दो पाइप आपके ये अंदर जा रहे हैं, एक पाइप आपका ये इनलेट, एक ये आउटलेट, ये अंदर जाने के लिए और ये आपका बाहर आने के लिए। अभी अंदर कहाँ जा रहे हैं मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। तो दो पाइप हैं, एक इनलेट एक आउटलेट जो मैंने बताया था बाहर से, एक ये नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला। तो इससे पानी आता है, इससे पानी आने के बाद इसमें अगर आपको कोई दवाई डालनी है तो इसमें आप वो दवाई डाल सकते हैं, तो फिर मैं उसमें आपका ये पाइप से आपका प्रेशर से इसको दवाई को खींच लेगा और खींच के आपका फिल्टर करके खेत के अंदर भेज देगा जहाँ आपको ट्रिप चल रही हुई है। तो इसमें आप इसका प्रेशर चेक कर सकते हैं, जैसे ये अभी 30 पे चल रहा है, तो 30 पे हमारा कितने हिसाब से दवाई उठा रहा है वो सब आप कैलकुलेशन आपको जो ड्रिप लगाएगा वो सारी समझा देगा। तो इससे आप ये एक आसानी हो जाती है कि आप सीधा आप खेत में प्लांट को सीधा आप दवाई भेज सकते हैं, तो सीधा फिर वो दवाई वहाँ से आपका सीधा आपके प्लांट तक आ जाएगी, जिसमें आपकी मिनिमल वेस्टेज होगी। एक चीज़ का आप खास ध्यान रखें कि ड्रिप चलाने के बाद जब भी आप पानी आप बंद करें, तो दवाई बंद करने के बाद
मिनिमम 15 मिनट के आसपास उसको खाली पानी, बाद में साफ पानी जरूर दें, नहीं तो उससे क्या होगा, कई बार जो होते हैं जो ड्रिप हमारी होती है, फिल्टर हमारे जो होते हैं, चोक हो जाते हैं। कहीं कहीं मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ जगह पर ऐसी है कि ड्रिप से आपका बहुत कम पानी निकलता, तो वो वही वजह होती है कि वो दवाई उसमें अटक जाती है और फिर वो सूख जाती है, तो जिससे पानी का प्रेशर ज़्यादा ना होने की वजह से फिर वो आपको ड्रिप चेंज करनी पड़ती है। तो उसके बाद दवाई देने के बाद आप 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए साफ़ पानी उसमें आप चला दें, तो जिससे आपका ड्रिप साफ रहेगी। और फ्लड वाटर से अगर आप देंगे तो फ्लड वाटर से आपको सब में पानी देना पड़ेगा, देखभाल ज़्यादा करनी पड़ेगी, दवाई की वेस्टेज ज़्यादा होगी, तो उसमें काफ़ी मेहनत है। और जब भी आप पानी दें, पानी में आप माइक्रो न्यूट्रिएंट या इस तरह की चीज़ें ज़रूर दें, जैसा आप देख रहे हैं, देखिए आपकी फ्रूट्स की ग्रोथ अच्छी आएगी, अच्छी आपकी हार्वेस्टिंग होगी। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।